कानपुर में सिकंदरा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी अजीत पाल ने समाजवादी पार्टी की सीमा सचान को 11,870 वोटों से मात दी। मतगणना के दौरान सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया है। मतगणना केंद्र के समीप कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, जिस कारण से मतगणना रोक दी गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रविवार को लखनऊ में एक बैठक हुई। इस बैठक में AIMIM अध्यक्ष असद उद्दीन ओवैसी और जफरयाब जिलानी समेत तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। बैठक में तीन तलाक पर प्रस्तावित बिल को लेकर चर्चा की गई। कई घंटों चली इस बैठक के बाद बोर्ड ने इस बिल को खारिज करने का निर्णय लिया है। बैठक में 3 साल की सजा देने वाले प्रस्तावित मसौदे को क्रिमिनल एक्ट करार दिया है। पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल पर राजनीतिक दलों से भी इसका विरोध करने की अपील कर सकता है। वाराणसी पहुंचे खेल मंत्री चेतन चौहान ने संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम का जायजा लिया। खेल मंत्री ने कहा कि अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मारी है, लेकिन विराट कोहली का कोई विकल्प नहीं है। चेतन चौहान ने साथ ही धोनी पर बोलते हुए कहा कि धोनी को अभी रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतरीन फॉर्म में है। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर के बस डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री के समर्थक एक अधिकारी से भिड़ गए और उसके साथ अभद्रता करने लगे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हमीरपुर में सरकार एक नए बस स्टेशन बनवाएगी, और स्वतंत्र देव ने महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए CCTV कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। लखनऊ से अगवा व्यापारी अमित जायसवाल का बेटा शिवम महोबा में पूर्व मंत्री बादशाह सिंह के घर से बरामद हुआ। पुलिस ने युवक के साथ 3 अन्य लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। जब पिता ने अपने बेटे की मौत की वजह जाननी चाही तो जूनियर डॉक्टर भड़क उठे और पिता को बेरहमी से पीट दिया। बच्चे की मौत और मारपीट से गुस्साए परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल के बाद मामले को शांत कराया। संगम नगरी इलाहाबाद में गंगा नदी की सफाई नहीं होने के कारण साधु संतों में काफी नाराजगी है। साधुओं ने कहा कि गंगा नदी की हालत इतनी खराब है कि इसमें स्नान भी नहीं किया जा सकता है। साधु संतों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर गंगा नदी की जल्द सफाई नहीं की गई तो संत समाज प्रशासन का विरोध करेगा। सोनभद्र के मारकुंडी घाटी में ईंटों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें चालक और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। मेरठ के एक थानेदार ने अपने ही सर्किल के CEO पर अभद्र टिप्पणी कर खाकी को शर्मसार कर दिया। ऐसो का विवादित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजीपुर के AITU विभाग में एक कर्मचारी खुलेआम रिश्वत लेते हुए कैमरे में रंगे हाथों कैद हो गया। रिश्वत लेने का वीडियो सामने आने के बाद DM ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। सरकार ने पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सूबे की जेलों में बंद कुछ कैदियों को छोड़ने का फैसला किया है। इसमें सहारनपुर जिला जेल में बंद 19 कैदी भी शामिल हैं। सभी 19 कैदी की उम्र लगभग 60 वर्ष से ऊपर की है। जालौन के उरई में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। महिला का शव पड़ोसी के दरवाजे पर पड़ा मिला। परिजनों ने पड़ोसी पर निकाय चुनाव की रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया है। क्रिसमस से पहले गाजियाबाद के एक NGO ने गरीब बच्चों के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया। इस अवसर पर बच्चों को तोहफे भी दिए गए। तोहफे पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे।